नमस्कार दोस्तों, एन वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेड जोन की। क्या आप सभी डेड जोन के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो चलिए इस खबर में जानते हैं पूरी बात कि क्या होता है डेड जोन। दोस्तों आजकल की दुनिया में जहां हम मोबाइल फोन पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, तो कहीं कहीं पे मोबाइल टावर के नेटवर्क्स नहीं आते तथा वहां पे हम ना तो कोई टेक्स्ट या मैसेजिंग भी भेज सकते हैं, तो वहां पे कनेक्टिविटी इस तरह दूर हो जाते हैं और हम असहाय महसूस करने लगते हैं। तो इसी समस्या को लेकर मोबाइल टावर कंपनी निर्माताओं ने तथा मोबाइल निर्माताओं ने एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें स्पेसएक्स और टी मोबाइल्स ने सेल फोन के डेड जोन्स को खत्म करने के लिए कई सारे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए आपस में कोलैबोरेशन किया है। तो आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। तो एलन मस्क ने स्पेसएक्स सैटेलाइट अपने अगले साल के सेल टावरों की पहुंच से परे सबसे दूरस्थ स्थानों में सेवा प्रदान करने के लिए टी मोबाइल सेल फोन से सीधे जुड़ सकते हैं। दोनों कंपनियों ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। ये नई सेवा जो मौजूदा सेल फोन पर काम करेगी और पृथ्वी की कक्षा में हजारों स्टारलिंक सैटेलाइट्स के स्पेसएक्स के नेटवर्क का उपयोग करेगी, साल 2023 के अंत से टेक्स्ट मैसेजिंग सेवाओं की पेशकश शुरू होगी। वहीं वॉयस कॉल और डेटा सेवाएं बाद में आने की उम्मीद है। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यह सेवा शुरू हो जाती है तो आपके सेल फोन के लिए दुनिया में कहीं भी कोई भी डेड जोन नहीं होगा। एलन मस्क ने टेक्सास के में स्पेसएक्स स्टारबेस सुविधा में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है तथा इस सेवा के शुरू होने के बाद हम इस तरह की त्रासदियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे जहां लोग खो जाते हैं और अगर वो कहते हैं कि अगर केवल उन्हें कोई मदद मिल सकती तो वो बुला लेते और वैसा नहीं होता उनके साथ। यद्यपि सैटेलाइट इंटरनेट की सेवा वर्षों से उपलब्ध है, लेकिन उपयोगकर्ताओं को वर्तमान में विशेष हार्डवेयर की जरूरत होती है इसको यूज करने के लिए, जैसे कि स्टारलिंक टर्मिनल्स। इस सेवा के शुरू होने के बाद लोगों को उस तरह के बैंडविड्थ तो नहीं मिलेंगे जो कि एक स्टारलिंक टर्मिनल के पास होता है, लेकिन वो टेक्स्ट मैसेज करने में सक्षम होंगे तथा पिक्चर्स को भी भेजने में सक्षम होंगे। यदि सेल जोन में बहुत अधिक लोग नहीं है तो आप संभावित रूप से कुछ वीडियोस को भी भेज सकेंगे, एलन मस्क ने आगे कहा। इसी कार्यक्रम में टी मोबाइल के सीईओ माइक सीवर्ट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अधिकांश सेल फोन योजनाओं पर नई सेवा मुफ्त होगी, हालांकि कम लागत वाले पैकेज पर उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ मिनिमम शुल्क भी लग सकता है तथा यह आकाश में एक सेलुलर टावर लगाने जैसा है जो कि बहुत कठिन है, माइक सीवर्ट ने कहा। सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने हाल ही में घोषणा की कि उनका इरादा कुछ इसी तरह के 3200 उपग्रह लॉन्च करने का है। कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी इस सेवाओं को देने के लिए इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे ही चीन के गुआवांग नामक 13,000 उपग्रहों के एक समूह को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं तथा यूरोपियन यूनियन भी 2024 तक लगभग 250 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में तैनात करना चाहते हैं। इसी कड़ी में यूएसए भी इसकी बीटा टेस्टिंग करना चाहता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को प्रदान करने के लिए पूरी दुनिया में होड़सी मची हुई है। इसमें प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी बात। बने रहिए एन वर्ल्ड के साथ। अब हमें याद दीजिए। नमस्कार।